नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल AKB मीडिया में एक बार फिर से। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे कल रिलीज हुई मैन इन ब्लैक और गेम ओवर के दो दिन के इंडियन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। साथ ही साथ बात करेंगे सलमान खान के भारत फिल्म के 11 दिन के कलेक्शन के बारे में, अजय देवगन सर की फिल्म दे दे प्यार दे के पूरे 30 दिन के कलेक्शन के बारे में। इसके अलावा दोस्तों बात करेंगे हम प्रभास के अपकमिंग फिल्म साहो के बजट एवं बॉक्स ऑफिस प्रेडिक्शन के बारे में। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक जरूर देखिएगा, और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बॉलीवुड और साउथ की हर एक नई अपडेट के लिए मेरे और आपके इस चैनल AKB मीडिया को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले अगर बात करें गेम ओवर फिल्म के बारे में, तो दोस्तों गेम ओवर फिल्म में हमें लीडिंग लेडी देखने को मिल रही है तापसी पन्नू। आपको बता दें दोस्तों, ये एक हॉरर फिल्म है जिस फिल्म को तमिल, तेलुगु और हिंदी तीन लैंग्वेज में रिलीज किया गया है। अगर बात करें बजट के बारे में तो गेम ओवर फिल्म का बजट है लगभग 9 करोड़ रुपये। वही दोस्तों इस फिल्म को तमिल, तेलुगु और हिंदी यानी तीनों लैंग्वेज में लगभग 1200 स्क्रीन में इंडिया के अंदर रिलीज किया गया है। अगर बात करें दोस्तों फिल्म के दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो दोस्तों फिल्म को अच्छे रिव्यूज मिलने के बावजूद भी फिल्म ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर मात्र 70 लाख रुपए की कमाई की। लेकिन बात करें दूसरे दिन के कलेक्शन की, तो दोस्तों अच्छे रिव्यूज की वजह से ही फिल्म के दूसरे दिन के कलेक्शन में एक हल्का सा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। जी हाँ दोस्तों, जो अभी तक की रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक गेम ओवर फिल्म अपने दूसरे दिन इंडियन बॉक्स ऑफिस पर लगभग 80 लाख रुपए का कारोबार कर रही है। इसी के साथ दोस्तों गेम ओवर फिल्म का दो दिन का टोटल कलेक्शन हो रहा है 1 करोड़ 50 लाख रुपए। आपको बता दूं दोस्तों, फिल्म का बजट जहां 9 करोड़ रुपए है तो फिल्म को हिट होने के लिए कम से कम 12 या 13 करोड़ की कमाई करनी होगी। वही दोस्तों बात करें हॉलीवुड फिल्म मैन इन ब्लैक इंटरनेशनल के बारे में, तो दोस्तों ये फिल्म मैन इन ब्लैक का चौथा पार्ट है। जहां पहले पार्ट्स में हमें देखने को मिले थे विल स्मिथ, वही दोस्तों इस पार्ट में हमें देखने को मिल रहे हैं क्रिस हेम्सवर्थ। अगर दोस्तों बात करें फिल्म के बजट के बारे में, तो इस फिल्म का बजट है $110 मिलियन। वही दोस्तों अगर बात करें इंडियन रिलीजिंग के बारे में, तो दोस्तों इस फिल्म को भी इंडिया में तीन लैंग्वेज में रिलीज किया गया है, हिंदी, तमिल और तेलुगु। और दोस्तों इस फिल्म को इंडिया में तीनों लैंग्वेज में स्क्रीन मिली है लगभग 1100। जी हाँ दोस्तों, फिल्म को इंडिया में 1100 स्क्रीन में रिलीज किया गया है। अगर दोस्तों बात करें फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो इस फिल्म को पहले दिन तमिल, तेलुगु और हिंदी तीनों लैंग्वेज में कलेक्शन मिला है लगभग 4 करोड़ 25 लाख रुपये। वही दोस्तों बात करें दूसरे दिन के कलेक्शन की, तो दूसरे दिन इस फिल्म के कलेक्शन में एक अच्छा जंप देखने को मिल रहा है। और जो अभी तक की रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक मैन इन ब्लैक 4 अपने दूसरे दिन इंडियन बॉक्स ऑफिस पर लगभग 5 करोड़ का कारोबार कर रही है। इसी के साथ दोस्तों फिल्म का दो दिन का इंडियन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हो रहा है 9 करोड़ 25 लाख रुपए। दोस्तों सुपरस्टार अजय देवगन सर की फिल्म दे दे प्यार दे, इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुए आज 29 दिन यानी कि फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 4 हफ्ते कंप्लीट कर लिए और आज से फिल्म का 5वां हफ्ता शुरू हो चुका है। और दोस्तों फिल्म 5वें हफ्ते में भी बॉक्स ऑफिस पर अच्छी खासी चलती जा रही है। अगर बात करें अब तक के टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो दोस्तों दे दे प्यार दे फिल्म ने अपने पहले दिन इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 10 करोड़ 45 लाख रुपए से ओपनिंग ली थी। वही दोस्तों इस फिल्म ने अपने शुरुआती 7 दिन यानी कि अपने 1 हफ्ते में इंडिया में कमाई की थी 61 करोड़ 5 लाख रुपए। वही बात करें दूसरे हफ्ते के कलेक्शन की, तो दोस्तों फिल्म के दूसरे हफ्ते के कलेक्शन भी लगभग 23 करोड़ 44 लाख रुपए आए थे और फिल्म ने तीसरे हफ्ते में 12 करोड़ 51 लाख रुपए की कमाई की थी। वही दोस्तों बात करें चौथे हफ्ते के कलेक्शन की, तो फिल्म ने अपने चौथे हफ्ते में कमाए थे लगभग 4 करोड़ 25 लाख रुपए। इसी के साथ दोस्तों दे दे प्यार दे फिल्म का 4 हफ्ते का जो इंडियन कलेक्शन हो जाता है यानी कि 28 दिन का कलेक्शन, वो हो चुका था इंडिया में 101 करोड़ 25 लाख रुपए। वही दोस्तों अगर बात करें हम 29वें दिन के कलेक्शन की, दोस्तों फिल्म ने 5वें हफ्ते में दस्तक देते ही अपने 5वें शुक्रवार यानी कि 29वें दिन भी बॉक्स ऑफिस पर अच्छी खासी ऑक्यूपेंसी दर्ज कराई है। तो दोस्तों जो अभी तक की रिपोर्ट निकल के आई है उसके मुताबिक दे दे प्यार दे फिल्म अपने 29वें दिन बॉक्स ऑफिस पर कमाई कर रही है 35 लाख रुपए की। इसी के साथ दोस्तों दे दे प्यार दे फिल्म का इंडिया में टोटल नेट कलेक्शन हो रहा है 29 दिन का, वो हो रहा है 101 करोड़ 60 लाख रुपए। अगर बात करें हम ग्रॉस कलेक्शन की, तो दोस्तों
दोस्तों फिल्म का ग्रॉस कलेक्शन हो चुका है 138 करोड़ रुपए, वही ओवरसीज का कलेक्शन हुआ है 17 करोड़ रुपए। तो दोस्तों आलिया अब्बास जफर के डायरेक्शन की बनी हुई भारत फिल्म, जिस फिल्म के स्टार कास्ट में है सलमान खान और कैटरीना कैफ। दोस्तों फिल्म को रिलीज किया गया था 5 जून यानी ईद के मौके पर, और दोस्तों फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होते ही अपने पहले दिन 42 करोड़ 30 लाख रुपए की कमाई की थी। वही दूसरे दिन फिल्म ने कमाए थे 31 करोड़ 5 लाख रुपए, तीसरे दिन फिल्म के खाते में आए थे 22 करोड़ 20 लाख रुपए और चौथे दिन फिल्म की कमाई रही थी लगभग 26 करोड़ 70 लाख रुपए। वही बात करें पांचवे दिन की तो फिल्म ने पांचवे दिन कमाए थे लगभग 27 करोड़ 90 लाख रुपए। इसी के साथ दोस्तों फिल्म ने अपने शुरुआती 5 दिनों के वीकेंड में, जी हाँ दोस्तों फिल्म रिलीज हुई थी बुधवार, जिसकी वजह से फिल्म को 5 दिन का लंबा वीकेंड मिला था, और इस फिल्म ने अपने पहले वीकेंड में लगभग 150 करोड़ के आसपास की कमाई कर ली थी। लेकिन दोस्तों फिल्म ने जहां अपने पहले वीकेंड में 150 करोड़ तक की कमाई कर ली थी, उसके बाद लग रहा था कि यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर और लंबी चलेगी और वीकडेज में भी फिल्म के कलेक्शन अच्छे आएंगे। लेकिन दोस्तों आपको बता दें, जैसे ही फिल्म के वीकडेज चालू हुए यानी वर्किंग डे, उसके बाद फिल्म के कलेक्शन डे बाय डे काफी कम आते गए। अगर बात करें फिल्म के मंडे के कलेक्शन के तो दोस्तों मंडे यानी छठे दिन फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कमाई की थी 9 करोड़ 20 लाख रुपए, वही सातवें दिन फिल्म ने कमाए थे 8 करोड़ 30 लाख रुपए। बात करें आठवें दिन की तो आठवें दिन फिल्म का कलेक्शन आया था 6 करोड़ 75 लाख रुपए, वही नौवें दिन फिल्म ने कमाए थे लगभग 5 करोड़ 75 लाख रुपए। और बात करें दसवें दिन की यानी कि फिल्म के दूसरे शुक्रवार की, तो फिल्म ने दूसरे शुक्रवार बॉक्स ऑफिस पर कमाई की लगभग 4 करोड़ रुपए। वही दोस्तों अगर बात कर ले ग्यारहवें दिन की तो दोस्तों फिल्म को ग्यारहवें दिन यानी अपने दूसरे सैटरडे कहीं ना कहीं दूसरे फ्राइडे से ज्यादा ऑक्यूपेंसी देखने को मिल रही है, और जो अभी तक की रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक यह फिल्म 11वें दिन लगभग 4 करोड़ 50 लाख रुपए का कारोबार कर रही है। इसी के साथ दोस्तों भारत फिल्म का जो 11 दिन का इंडियन नेट कलेक्शन हो जाता है वो हो चुका है 188 करोड़ रुपए। जी हाँ दोस्तों फिल्म ने इंडिया में नेट कलेक्शन 11 दिनों में कर लिया है 188 करोड़ रुपए। तो दोस्तों बात करें इंडिया की सबसे महंगी एक्शन फिल्म साहो के बारे में, तो दोस्तों इस फिल्म को डायरेक्ट किया है सुजीत ने, वही इस फिल्म के लीडिंग स्टार में है ग्लोबल सुपरस्टार प्रभास और उनके साथ में नजर आ रही है बॉलीवुड एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर। साथ ही साथ दोस्तों इस फिल्म में लगभग 50% बॉलीवुड के सपोर्टिंग स्टार कास्ट लोग देखने को मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों इस फिल्म में नजर आएंगे बॉलीवुड एक्टर जेकी श्रॉफ, चंकी पांडे और इनके अलावा नजर आएंगे नील नितिन मुकेश। दोस्तों फिल्म का जो बज है वो काफी हाई लेवल का बना है और टीजर के बाद तो इस फिल्म के बज ने सभी तरह के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। जी हाँ दोस्तों आपको बता दें फिल्म का टीजर रिलीज हो चुका है और फिल्म के टीजर को रिलीज होते ही पब्लिक की तरफ से पूरी तरह से पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला है। आपको बता दें दोस्तों फिल्म के टीजर 3 रिलीज किए गए हैं, पहला है तेलुगु में, वही दूसरा हिंदी और तीसरा है तमिल, और दोस्तों तीनों टीजर पे पब्लिक ने जो व्यूज दिए हैं वो काफ़ी रिकॉर्ड तोड़ है और साथ ही साथ टीज़र को लाइक्स भी काफ़ी अच्छे मिले हैं। तो दोस्तों एक बात तो साबित हो चुकी है कि इस फिल्म का टीज़र लोगों को पसंद आ चुका है और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक बम्पर ओपनिंग लेने वाली है। तो दोस्तों अगर बात कर ले फिल्म के बजट के बारे में तो दोस्तों साहू फिल्म का एस्टिमेट बजट अभी तक बताया जा रहा है लगभग 300 करोड़ रुपये। जी हाँ दोस्तों ये फिल्म इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट हाइस्ट फिल्म बताई जा रही है बजट के मामले में। वही दोस्तों अब अगर बात कर ले फिल्म के रिलीज डेट के बारे में तो फिल्म रिलीज होगी 15 अगस्त को और दोस्तों फिल्म को 3 लैंग्वेज में कंफर्म रिलीज किया जाना है। पहली तो है ओरिजिनल लैंग्वेज यानी तेलुगु, वही दूसरी है हिंदी और तीसरी है तमिल। अब दोस्तों बात करें स्क्रीन काउंट के बारे में तो इस फिल्म को हिंदी वर्जन में कम से कम 3000 स्क्रीन मिलने वाली है। पहले दोस्तों इस फिल्म को ज़्यादा स्क्रीन मिलती लेकिन इस फिल्म के साथ में बॉलीवुड की एक और फिल्म क्लेस कर रही है जिस फिल्म का नाम है मंगल मिशन, जिस फिल्म के लीडिंग स्टार कास्ट में हमें तापसी पन्नू, विद्या बालन और सोनाक्षी सिन्हा देखने को मिलेगी। साथ ही साथ दोस्तों मिसल मंगल में अक्षय कुमार का भी एक छोटा सा केमियो नजर आएगा। तो दोस्तों इस फिल्म को जो है हिंदी वर्जन में लगभग 3000 स्क्रीन मिलेगी, वही दोस्तों तेलुगु वर्जन में फिल्म को मिलने वाली है लगभग 2500 स्क्रीन। वही अगर बात करें तमिल वर्जन की तो दोस्तों फिल्म तमिल वर्जन में रिलीज होगी लगभग 1000 स्क्रीन में। इसी के साथ दोस्तों इस फिल्म को इंडिया में रिलीज किया जाना है लगभग 7000 स्क्रीन में।
अब अगर दोस्तों एस्टिमेट आंकड़े निकाले जाए पहले दिन के प्रेडिक्शन के बारे में, तो दोस्तों जिस तरह से फिल्म के टीजर को लोगों ने पसंद किया और जिस तरह से फिल्म का बस अभी तक बना हुआ है, उसे देखते हुए लग रहा है कि ये फिल्म पहले दिन में हिंदी वर्जन में कमाई कर सकती है 35 करोड़ रुपये। और इसी के साथ ये फिल्म प्रभास के करियर की दूसरी हाइस्ट ओपनर हिंदी वर्जन में बन जाएगी, क्योंकि पहले नंबर पर अभी भी रहेगी बाहुबली 2। वही दोस्तों अगर बात कर ले तेलुगु वर्जन की, तो ये फिल्म तेलुगु वर्जन में अपने पहले दिन इंडियन बॉक्स ऑफिस पर कमाई कर सकती है लगभग 30 करोड़ रुपये। वही अगर बात करें तमिल वर्जन की, तो दोस्तों ये फिल्म तमिल वर्जन में 1000 स्क्रीन पे पहले दिन कलेक्शन कर पाएगी 15 करोड़ रुपये। इसी के साथ दोस्तों इस फिल्म का जो तमिल, तेलुगु और हिंदी तीनों लैंग्वेज का फर्स्ट डे इंडियन कलेक्शन हो जाएगा वो होगा लगभग 80 करोड़ रुपये। वही दोस्तों अगर बात करें ओवरसीज मार्केट की, तो इस फिल्म को ओवरसीज मार्केट में रिलीज किया जाना है लगभग 1800 स्क्रीन पे। तो दोस्तों ये फिल्म 1800 स्क्रीन पे अपने पहले दिन ओवरसीज मार्केट में कलेक्शन कर सकती है 30 करोड़। तो दोस्तों इंडिया का इस फिल्म का पहले दिन का कलेक्शन होने वाला है 80 करोड़ रुपये, वही ओवरसीज का 30 करोड़। इसी के साथ दोस्तों फिल्म का जो फर्स्ट डे टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन होता है वो हो जाएगा 110 करोड़ रुपये। अब देखते हैं दोस्तों ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होने के बाद बॉक्स ऑफिस पर क्या कमाई करती है, 300 करोड़, 500 करोड़ या 1000 करोड़। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है साओ फिल्म का लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन क्या रह सकता है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं।